भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक ताजा बयान निर्माणों की सोशल मीडिया पर जैसे हलचल ही पैदा कर दिया है। जी हां, इस बार बिहार विधानसभा काफी ज्यादा मायने में देखने लायक थी, क्योंकि कोरोना काल में चुनाव होना ही एक बहुत ही बड़ी बात थी और इसमें बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को भारी बहुमत मिली है। जी हां, जेडीयू और बीजेपी की जो गठबंधन थी जो पूरी तरीके से कामयाब हो पाई और कहीं ना कहीं जेडीयू का जो सीट था वो काफी ज्यादा कम आया और बीजेपी जो सीट थी वो काफी ज्यादा आया है। और लेकिन इसके बावजूद भी एनडीए की बैठक में कहीं ना कहीं बिहार के सुशासन बाबू को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई और आखिरकार नीतीश कुमार को सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और उसके ऊपर ही बिहार के सुपरस्टार यानी कि खेसारी लाल यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बिहार में अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से सातवीं बार मुख्यमंत्री पद शपथ ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिहार के भविष्य के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सुशासन बाबू ने जिस तरीके से उन्होंने काम किया है बिहार की तरक्की के लिए वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अच्छा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव ने बिहार विधानसभा में जेडीयू के लिए नहीं बल्कि आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे, लेकिन उन्होंने अब नीतीश कुमार को लेकर यह जो बयान दिया वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है और खेसारी लाल यादव के फैंस इसे भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जेडीयू के समर्थक इसे भी काफी ज्यादा खुशी को ले रहे हैं, लेकिन आरजेडी के फैंस इसे काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि वो आरजेडी के प्रचारक थे और कहीं ना कहीं तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। क्या कहना है खेसारी लाल यादव के इस ताजा बयान को लेकर मुख्यमंत्री के बारे में, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल सही तरीके से शपथ ले रहे हैं और बीजेपी ने सही काम किया है, इस पर भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भोजपुरी गॉसिप से राव शर्मा की रिपोर्ट। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।